दोस्तों KGF चैप्टर 2 की स्टोरी प्रेडिक्शन करने से पहले हम KGF चैप्टर 1 में जो करंट कैरेक्टर्स हैं उनकी लास्ट पोजीशंस कहां हैं, क्या कर रहे हैं वो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम KGF चैप्टर 2 की स्टोरी को सही तरीके से समझ पाए। सबसे पहले बात करते हैं रॉकी की। रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया है और वो काली मां की पूजा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं पर वानरम जो कि गरुड़ा का बॉडीगार्ड था अपने 400 आदमियों को ऑर्डर देता है कि देख क्या रहे हो, मार दो इसे। वहीं अधीरा की अगर हम बात करें तो अधीरा को ये खबर मिल चुकी है और अब वो KGF की तरफ रुक कर चुका है, करने वाला है, क्योंकि उसने पहले कसम खाई थी कि जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं KGF की तरफ आग उठाकर नहीं देखूंगा। राजेंद्र देसाई, कमल और एंड्रयू, इन ये तीनों बड़े ही खुश हैं, इन्हें भी खबर मिल चुकी है और अब ये तीनों भी KGF चाहते हैं। इनायत खलील, दुबई में बैठा हुआ डॉन, इसको भी खबर मिल चुकी है और अब इसके लिए इंडिया पर अटैक करने का यही सही समय है। इसको नहीं पता कि इंडिया में इसका बाप बैठा है। रमिका सेन, यानी कि जो कि 1981 में प्राइम मिनिस्टर दिखाई जाएंगे इंडिया की, और अगर KGF चैप्टर 1 के लास्ट सीन की बात करें तो 1981 में रमिका सेन ने इंडिया के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल यानी कि रॉकी को मारने के लिए आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि जाओ और KGF से रॉकी को वाइप आउट करो। उसके बारे में और हम आगे चल के बात करने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 की स्टार्टिंग के बारे में। KGF चैप्टर 2 की स्टार्टिंग फिर से स्टार्ट होगी आनंद इंगलगी यानी कि अनंतनाग सर के जबरदस्त भारी नरेशन के साथ, और वहां पर KGF की पहली लड़ाई, KGF चैप्टर 2 की पहली लड़ाई हमें देखने को मिलेगी वानरम के आदमियों और जो KGF फील्ड के, जो कोलार गोल्ड फील्ड के सब मजदूर थे उनके बीच में। वो मजदूरों के अंदर इतना साहस कैसे आ गया कि वो उन हथियारबंद आदमियों से लड़ सकें, यहीं पर रॉकी ने वो कारनामा कर दिखाया है कि उसने गरुड़ा को मारकर एक ही झटके में वो जो सब मजदूर थे उनके दिलों का जो खौफ है वो बाहर निकाल दिया है और अब वो 20,000 आदमी उस अकेले रॉकी के लिए खड़े होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे चाहे उनकी जान भी चली जाए। यहां पर जो रॉकी की मां का एक सेंटेंस था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब 1,000 आदमी तुम्हें अपने सामने खड़ा करें तो समझो तुम दुनिया जीत सकते हो, अगर तुम 1,000 आदमियों के सामने खड़े हो जाओ तो वो तुम एक जंग जीत सकते हो। तो ये जो सेंटेंसेस हैं चैप्टर 1 के, वहीं से हमें हिंट मिल रहा है पूरी चैप्टर 2 की स्टोरी का। अब ये सारे मजदूर मिलकर ना ही केवल वानरम को और उसके आदमियों को मारेंगे बल्कि रॉकी को KGF का नया राजा भी घोषित कर देंगे और बाद में रॉकी उन सबको एक बहुत ही बढ़िया और बेटर लाइफ देगा, जिससे मतलब वो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे लेकिन अब वो उन्हें मिलने वाली है बेटर लाइफ। और ये इससे ना मतलब KGF के जो मजदूर हैं, स्लेव्स हैं, और रॉकी का जो बॉन्ड है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा ताकि वो पूरी दुनिया को जीत सके। अब KGF चैप्टर 2 की पूरी कहानी KGF के नए राजा और उसकी प्रजा की तरफ मोड़ दी जाएगी, जहां पर वो सब मिलकर एक तरक्की करेंगे और रॉकी इतनी खतरनाक तरक्की करेगा कि उसकी जो पावर और वेल्थ है वो इतनी बढ़ जाएगी कि इंडियन गवर्नमेंट भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, उन्हें भी डर लगने लगेगा और यहीं पर रीजन बनेगा रॉकी के एंड का। जी हाँ, रॉकी मरेगा, शॉक्ड, इस बात को सुनकर शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ही चैप्टर 1 में ही इसके काफी अच्छे से हिंट दे दिए थे। आप इस पिक्चर को देखिए तो 1981 में इंडिया की पीएम रमिका सेन आर्मी को ऑर्डर देगी कि साहब आप KGF में जाइए और रॉकी को वाइप आउट करिए। आप इस बात का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि रॉकी कितना पावरफुल और वेल्दी हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को आर्मी भेजनी पड़ रही है उसके वाइप आउट के लिए, उसके सफाई के लिए। जो बड़ी बड़ी फाइट्स और बड़े बड़े एंट्री सीन्स हमें देखने को मिलेंगे KGF चैप्टर 2 में, अभी उनके बारे में बात करते हैं, जिन्हें देख के मतलब थिएटर में आग लग जाएगी, सीटियां, तालियां और लोग अपनी सीटों से उछलने लगेंगे, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वानरम के आदमियों और मजदूरों के बीच की फाइट के बाद जो सबसे बड़ी फाइट हमें देखने को मिलने वाली है वो रॉकी और कमल के बीच। कमल, आपको याद है ना, कमल और रॉकी दोनों ही रीना से प्यार करते थे, रीना को चाहते थे। वैसे तो कमल रॉकी के सामने एक मिनट भी खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन कमल यहां पर दिमाग से काम लेगा और वो धोखेबाज बनेगा,
वो रीना को रॉकी के दुश्मनों के हवाले कर देगा और वो सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरा। और यहां पर अधीरा की जो ग्रैंड एंट्री और उसके जो कैरेक्टर बिल्डिंग सीन है वो दिखाए जाएंगे दोस्तों, जिन्हें देख के ऑडियंस पागल हो जाएगी और सीटियां तालियां गड़गड़ाहट, मतलब थिएटर में देखने का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वही संजय दत्त का जो वाइकिंग वाला रोल है, तलवार हाथ में लिए वाइकिंग योद्धा की तरह उन्हें दिखाया गया है, ये प्रशांत नील फिल्म के डायरेक्टर की एक बड़ी जीत कहूंगा मैं इसे। वैसे एक्शन फिल्मों की जो स्टोरी है वो इतना, मतलब स्टोरी लाइन उनका इतना बेटर नहीं होता है अगर आप स्टोरी वाइज देखेंगे, लेकिन जो ग्रैंडियर इस फिल्म का बनाया गया है, मतलब बाहुबली के बाद जो मुझे बहुत जबरदस्त और बड़ी फिल्म देखने को मिल रही है, दैट इज केजीएफ चैप्टर 2। और कैरेक्टर्स की बात करते हैं, एंड्रयू और राजेंद्र देसाई जो है वो रॉकी के पावर को समझेंगे और उसको कुछ हद तक सपोर्ट ही करेंगे। राजेंद्र देसाई को तो वैसे भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी बेटी रीना विल कंफेस कि शी लाइक्स रॉकी और उसने चैप्टर 1 में कर भी दिया है। रीना का कैरेक्टर भी चैप्टर 2 में बहुत ही धमाकेदार और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो सबसे जबरदस्त एंट्री होने वाली है वो है प्रकाश राज की। प्रकाश राज मुझे लगता है कि वो रमिका सेन यानी कि उस टाइम के प्रधानमंत्री के जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई आईएएस ऑफिसर होंगे और रॉकी को वाइप आउट करने का काम, उनको निपटाने का काम, आर्मी को कैसे गाइड करना है, ये सब काम मुझे लगता है प्रकाश राज ही संभालेंगे। और जो उनकी जो रॉकी या केजीएफ की जो बुक लिखी गई है आनंद इंगलगी के द्वारा, उसमें भी प्रकाश राज कुछ हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब जो सबसे बड़े फाइट सीन्स होने वाले हैं उनमें एक सबसे बड़ा फाइट सीन होगा अधीरा और रॉकी का आमना सामना। वहीं पर अधीरा जो है उसके कब्जे में रीना भी है, कमल इस सिचुएशन का फायदा उठाकर रॉकी को जला रहा है। समहाउ रॉकी विल किल अधीरा एंड कमल, अधीरा और कमल को कुत्ते की मौत बुरी तरह मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले रॉकी की भी बहुत दुर्गति होगी जस्ट बिकॉज ऑफ रीना। वहां से फिर रॉकी अपने किसी वफादार के थ्रू रीना को किसी फॉरेन कंट्री में सेटल करवा देगा क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि इंडियन आर्मी उसके खात्मे के लिए आ चुकी है एंड नाउ ही इज प्रिपेयर फॉर द बिग वॉर। वहीं इनायत खली जो कि दुबई में बैठा हुआ डॉन है और बहुत बरसों से इंडिया में अपना हिस्सा चाहता है, वो फिर से ट्राई करेगा लेकिन उसको रोक देंगी रमिका सेन। रमिका सेन यहां पर मुझे लगता है बहुत ही खुद्दार और पावरफुल पीएम दिखाई जाएंगी जो अपने देश की रक्षा बाहर के और अंदर के दोनों तरीके के एलिमेंट से करेंगी। तो इनायत खली तो फिर से वो मुंबई के तट पर खड़ा ही रह जाएगा और उसका सपना एज यूजुअल अधूरा रह जाएगा, ही विल बी स्टॉप्ड बाय आर्मी। और अब जो अंदर का बुरा एलिमेंट है जो देश के लिए मतलब खतरा बन चुका है रमिका सेन की नजर में, उसका सफाया भी आर्मी करेगी। और फिर सबसे बड़ा हमारे सामने देखने को मिलेगा फाइट सीन आर्मी और रॉकी की फाइट्स, मतलब इट विल बी अ खतरनाक वाला वॉर। अपनी मां को दिए हुए वचन के हिसाब से रॉकी मरते टाइम सबसे पावरफुल आदमी बन चुका है। पावरफुल क्यों? क्योंकि भैया उसको मारने के लिए पीएम आर्मीज भेज रहे हैं और वो सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट अमीर भी होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि जो कोलार गोल्ड फील्ड का जो भी सोना है वो सब उसके कब्जे में होगा, उसके थ्रू वो बहुत तरक्की भी कर चुका होगा, 20,000 जो मजदूर हैं उनकी जिंदगियां बदल चुका होगा, उनके बच्चों की जिंदगियां बदल चुका होगा। तो एंड ऑफ द डे जब आर्मी, व्हेन द रॉकी विल फॉल, जब रॉकी गिरेगा मरने को होगा, वो सीन जो है वो बहुत जबरदस्त मुझे लगता है डायरेक्टर ने बनाया होगा। वहां पर हमें बहुत सारे बैक फ्लैश में उसकी माँ के सीन्स और वो इमोशनल म्यूजिक के साथ चीजें फिर से सुनाई देंगी, लेकिन इस बार जो जब चैप्टर 1 में इमोशनल म्यूजिक हमें सुनने को मिला था, वहां पर हमें एक मजबूर औरत और उसका बच्चा देखने को मिला था जो कि लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो इमोशनल म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा सुपरस्टार यश जो कि रॉकी का किरदार निभा रहे हैं, एंड ही विल डाई ग्रेसियसली, मतलब बड़े ही ग्रेस और बड़े ही प्राइड के साथ ही विल यू नो हग द डेथ। और मुझे लगता है कि वो सीन बड़ा ही इमोशनल और बड़ा ही अच्छा ग्रैंड जबरदस्त बनाने वाले होंगे प्रशांत नील यानी कि मूवी के डायरेक्टर। अब सवाल ये है कि आनंद इंगलगी को ये सब कैसे पता चला और उन्होंने ये बुक कैसे लिखी, तो मुझे लगता है कि अगर आप पिक्चर में देखें तो वो आदमी जो है वो उन मजदूरों में से एक है जिसने आनंद इंगलगी को सब कुछ बताया और ये भी कहा था कि तुम्हारी ये बुक पोस्ट ही नहीं हो पाएगी, पब्लिश ही नहीं हो पाएगी क्योंकि ही विल नॉट अलाउ इट। एक और सवाल, क्या रॉकी रीना से शादी करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अपनी मां को वचन दिया था रॉकी ने कि वो
पावरफुल, ही विल डाई एज अ पावरफुल पर्सन. तो नो वीकनेस, कोई वीकनेस नहीं चाहिए उसे मरते टाइम, और रीना को भी वो अपनी जिंदगी से दूर भेज देगा. दोस्तों इसके अलावा मिर्जापुर सीजन 3 का क्या स्टोरी हो सकता है उसका प्रेडिक्शन मैं वीडियो मैंने बनाया हुआ है. इसके अलावा तांडव 15 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर वीडियो आने वाली है, वेब सीरीज, उसका भी स्टोरी प्रेडिक्शन का वीडियो बनाया है. ये स्टोरी प्रेडिक्शन आप लोगों को तुम्हें कैसा लगा ये सब मुझे अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर बताएं. इसके अलावा जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट नया वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे. मैं मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.